आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव की पावन स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरु श्री रामलाल जी से आज सिद्धियों के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के एपिसोड में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने गुरु भगवान के अमूल्य वरदान से योग के बारे में सत्संग करते हैं। हम सभी गुरु भाई बहन, हमारे गुरु तो गुरुदेव तो साक्षात भगवान थे। उनके हमें रंग रूप चेहरे पे नहीं जाना है, जो हमें बड़ा साधारण सा मनुष्य जैसे नजर आते हैं। क्योंकि कहते हैं कि भगवान जब कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं विश्व में, तो संसार में वो कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं जब हमारे भगवान, तो भगवान तो एक परम सत्ता है और उनकी उनका कोई स्वरूप नहीं होता। वो एक शक्ति है जो मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पर अवतरित होती है, जो कि हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव हमारे साक्षात भगवान हैं और उन्होंने मनुष्य रूप धारण करके इस धरती पे वो अवतरित हुए विश्व का कल्याण करने के लिए। उन्होंने वैसे ही प्रकृति जो हम मनुष्य साधारण मनुष्य इस बाहरी प्रकृति को मानव प्रकृति को अपनाते हैं, उसी तरह वो भी रहे हमारे बीच। उन्होंने वही दिनचर्या वही रहन सहन अपनाया जो एक साधारण मनुष्य रहता है। चश्मा लगाना, उसी तरह चलना, उसी तरह से कपड़े पहनना, इनको देख के हम बहुत कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो साधारण से मनुष्य थे, ये ऐसी बातें करते हैं, परिवर्तन की बातें करते हैं, ऐसे कहाँ परिवर्तन हो जाता है, ये तो खुद ही इतना मोटा चश्मा लगाते हैं, धीमे चलते हैं, व्हील चेयर पे आ जाते हैं। बहुत लोग इस तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं। तो ये हमें समझना होता है कि जब भगवान हमारे बीच आते हैं तो वो बस वो एक लीला रूप लेके आते हैं, जिससे कि वो हम ही में मिल जाए और हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को समझें, हमारी प्रकृति में रहकर ही वो उसी तरह से, वो इसीलिए अपना रूप इस तरह का बनाते हैं कि वो उस प्रकृति में रहकर हमारा कल्याण करें। वैसे ही वही हमारे गुरुदेव हैं कि उन्होंने वो रूप जो था वो उनका असली रूप नहीं था, वो उन्होंने एक लीला रूप दिखाया था अपना। वो मनुष्यों के बीच रहना चाहते थे और बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते थे, इसलिए वो इस तरह से दिखते थे। लेकिन वो साक्षात भगवान थे, क्योंकि भगवान को जब अपनी बात कहनी होती है तो वो मनुष्य रूप ही धारण करके इस धरती पे आता है। लेकिन इससे उसका भगवान होना समाप्त नहीं हो जाता है। तो वही हमारे गुरुदेव हैं और हमारे गुरुदेव ने बहुत ही सहज और सरल साधना दी है, जिसको हम सिद्ध योग कहते हैं। इसमें हमें दो समय का ध्यान करना होता है, 15-15 मिनट के लिए सुबह और शाम, और निरंतर 24 घंटे के लिए मानसिक जप करना होता है, जिसको हम संजीवनी मंत्र कहते हैं, उसका हमें जपना होता है 24 घंटे। आप किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में हो, इस मंत्र को मानसिक हमें जपते रहना है, जिसमें हमें कोई परेशानी भी नहीं है मानसिक होने के कारण। गुरुदेव हमारे मंत्र की महिमा को बहुत अच्छा सा अपनी दिव्य वाणी में बतलाते हैं। केवल नाम जपने से जो समझा नहीं जा सकता वो समझ लिया जाता है, केवल नाम जपने से जो देखा नहीं जा सकता वो देख लिया जाता है। हमारे गुरुदेव की दिव्य वाणी में है, मुझे वही शिष्य प्रिय है जो नाम जपता है और चेतन है, सातों कोष चेतन हो जाएंगे मेरे गुरु की कृपा से। हर युग में मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखकर ही आराधना की विधि तय होती है। ये हमारे गुरुदेव फरमाते हैं कि जैसा युग होता है उसमें जैसी शक्ति मनुष्य में होती है, उसी तरह की आराधना उस युग में रखी जाती है। क्योंकि इस समय ये कलयुग चल रहा है तो यहाँ भौतिक युग है, एक तरह से किसी के पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो उसको देखते हुए हमारे गुरुदेव भगवान ने कितनी सहज और सरल साधना दी, जो कि हमारा इतना बड़ा परिवर्तन कर रही है, साक्षात भोग और मोक्ष दोनों दे रही है, जो हमें कभी नहीं मिले। आज कलयुग में केवल हरि नाम के जप से ही सारे कष्टों से छुटकारा हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे।
ये राधा और कृष्ण का मंत्र है जो गुरुदेव हमारे संजीवनी मंत्र देते हैं, जिसका हमें 15 मिनट के लिए ध्यान करना होता है, 24 घंटे मेडिटेशन चैंटिंग करनी होती, मानसिक जप करना होता है। वो राधा और कृष्ण का मंत्र है, इसमें दोनों तत्व शामिल है। राधा तत्व सांसारिक सुख देता है और कृष्ण तत्व मोक्ष देता है। कि हमें इस युग में दोनों तत्वों की बहुत जरूरत है, तो केवल हमें मोक्ष नहीं चाहिए और केवल हमें भोग नहीं चाहिए। ये चेतन मंत्र है, लाइटेड है। इसमें ये मंत्र जो है वो प्राण प्रतिष्ठित है, क्योंकि ये असंख्य ऋषियों का कमाया हुआ ये मंत्र है। यह बीज मंत्र है। जिस तरह बरगद का बीज राई जितना छोटा होता है, हमारे जो बरगद का पेड़ होता है उसका बीज राई की तरह छोटा होता है और बड़ा होकर वो विशाल वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष को देखकर हम ये नहीं पता लगा पाते हैं कि इसका बीज इतना छोटा सा होगा। वैसे ही हमारा मंत्र जो है वो 3 अक्षर का छोटा सा मंत्र है, लेकिन वो हमारे अंदर इतना विशाल परिवर्तन लाता है। यही गुरुदेव कहना चाहते हैं कि जिस तरह से राई का बीज की तरह बरगद का पेड़ होता है और वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। ये संजीवनी मंत्र है। आप चाहे किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, किसी भी दैहिक समस्या से पीड़ित हो, दैविक समस्या से हो, भौतिक समस्या से पीड़ित हो, ये मंत्र आपकी तीनों समस्याओं का से आपको निजात छुटकारा दिलाता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि जैसे कि एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, गठिया है, नशे हैं, कितनी बीमारियां हैं आजकल, सब बीमारियों से केवल एक छोटा सा मंत्र छुटकारा देता है। और ये छोटा मंत्र तो है, लेकिन वो भगवान का दिया हुआ मंत्र, साक्षात हमारे गुरु भगवान का दिया हुआ मंत्र है, इसलिए वो बहुत ही अमूल्य और बहुमूल्य वरदान है हमारे लिए गुरुदेव का। गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र से ही सारे पर्पस जो है वो हमारे पूरे हो जाते हैं, उद्देश्यों की हमारी पूरी पूर्ति हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं इस शरीर रूपी सुंदर ग्रंथ को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें नाम जप ही करना पड़ेगा। नाम जपने से ही विघ्नों का नाश हो जाता है, विघ्नों का अभाव होता है। नाम जप से ही भगवान श्री कृष्ण ने सबसे उत्तम यज्ञ की संज्ञा दी है। भगवान कृष्ण ने नाम जप को ही सबसे उत्तम यज्ञ की संज्ञा दी है। बड़ी सीधी आराधना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस भगवान का नाम जपना है, उसी से परिवर्तन आ जाएगा। नाम जपने में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती है। कर्म कांड यज्ञ करोगे, आग में घी देंगे हम, लकड़ी वगैरह जलाएंगे, उसमें बहुत से जीव भी जल जाते हैं। जप यज्ञ कर्म कांडी यज्ञों से 1000 गुना ज्यादा फायदेमंद हमारा ये नाम जप होता है। लोग, भगवान गुरुदेव हमारे कहते हैं कि लोग समाधि और ध्यान के लालच में हमारी साधना में जो पड़ाव आते हैं शुरुआत से, उसके लालच अगर हम किसी को सुनते हैं कि उनके साथ ऐसा हो गया, ये अनुभूति हो गई, उनको आज ये आज उनको साधना में ये परिवर्तन हुआ, तो हम बहुत ही घबरा जाते हैं और केवल उसी की लालच में रह जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि लोग समाधि और ध्यान की लालच में नाम जप को ढीला छोड़ देते हैं, जबकि नाम जप ही चाबी है। इसको तेल की धार की तरह हर समय राउंड द क्लॉक सघन मंत्र जप करें। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम जप पर ध्यान करना है और सारी ड्यूटी हमारे गुरुदेव भगवान की। जय गुरुदेव। तो चलिए अब इस सेशन को हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी गुरु भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वो इस मंच पे आए और अपना हैंड रेस करते हुए अपनी बातों को, अपनी जिज्ञासा, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को, अपने बदलाव को इस मंच पे शेयर करें। जय गुरुदेव। और हमारे गुरु भगवान के सानिध्य में जो लोग रहे हैं, जिन्होंने साक्षात उनके दर्शन किए हैं, वो लोग भी आज इस मंच पे जरूर अपने अनुभव बताएं कि हमारे गुरुदेव भगवान कैसे लगते थे देखने में, क्या बातें करते थे, कैसे कहते थे, अपनी बात को किस तरह से कहते थे, वो भी चर्चा आज इस सेशन में करी जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं गुरु भाई बहनों को
जो गुरुदेव के सानिध्य में नहीं रहे उनको बड़ा ही आनंद आएगा कि हमारे गुरुदेव भगवान कैसे दिखते थे, वो कैसे बात करते थे, कैसे चलते थे, कैसे कहते थे अपनी बात को, ये भी जरूर बताएं आज सब लोग। जय गुरुदेव। पीके सिंह भाई सब कुछ कहना चाह रहे थे। जी गुरुबान जी, मैं अपने काम वाले से बात कर रहा था, कुछ कहना नहीं चाह रहा। जय गुरुदेव। जय जय गुरु। चलिए और भी बहुत से गुरु भाई बहन जुड़े हैं। कुछ साधना के विषय में बताना चाहते हो तो उसका भी स्वागत है। या आज कोई एक्टिविटीज हुई हो तो उसको भी बताया जाए। रामलाल जी भाई सब का बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं। गुरुवार एक छोटी सी अनुभूति मैं सुना रहा हूँ आज की, अभी की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई, जरूर आपका स्वागत है मंच। जी, ध्यान ध्यान के दौरान मैं क्या मेरा हुआ क्या कि आज ये जो शरीर है ना, ध्यान के दौरान मतलब ध्यान के दौरान एकदम ये शरीर आगे झुक गया, झुक करके ये जो है जमीन पे लग गया ये माथा, और माथा लगते ही ये जीभ थी वो तालू में चिपक गई। अच्छा, एक तरह से खेचरी मुद्रा हो गई। बहुत हाँ, और कुछ बढ़िया। देर के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं तो नीचे मतलब मेरा माथा जमीन को टच कर रहा, उठा तो देखा तालू में चिपकी हुई है जीभ। तो गुरुदेव कब क्या कराएंगे समझ में नहीं आता। हमारा तो काम है कि बस उस नाम को जपते रहिए, ध्यान करते रहिए, सही सही बात है, ऐसा सही योग बात। रचाओ भगवान। वो समझ में नहीं आता उनकी लीला की कब क्या होगा क्या नहीं होगा। पल में खेचरी मुद्रा लगवा दी। देखिए आप झुक रहे हैं, आपको पता भी नहीं है और मुद्रा ये लग गई है, नहीं बताइए। पता लगा, मुझे पता नहीं लगा, जब मुझे महसूस हुआ कि नहीं मेरा तो सर जमीन पे टिक गया है, उठकर जी बैठा हूं तो फिर समझ में आया कि जीभ तालू में चिपकी पड़ी है। बताइए, बहुत बढ़िया। आजकल बहुत बढ़िया बढ़िया अनुभूति हो रही है भाई साहब आपके हाँ, यहाँ सबको। मेरे परिवार में भी हम भी एक तो क्या कहते हैं ना कि वो चेतन परिवार हो गए जी जी गुरु भाई, आज गुरु बहन कहाँ है। हाँ हाँ, उनको भी खूब बहुत ज्यादा अनुभूतियां हुई थी, आती है तो मैं सुनवाता हूँ। जरूर से। उनको भी वो बोल रही थी कि मेरा ये जो पैर है दोनों, आज की अनुभूति बता रही थी कि जो जी मेरा पैर, मेरे पैर से कुछ निकल रहा था बाहर, दोनों पैरों में अच्छा, बैठी थी वो नीचे की नीचे तरफ। बैठी। अच्छा हाँ, अच्छा मेरे बगल में बैठी थी, और उनको जो योगिक क्रिया रेगुलर हो रही है आज नई अनुभूति उन्होंने बताया कि मतलब मेरा जो दोनों पैर है, पैर से मतलब कमर के नीचे से कुछ चल करके नीचे बाहर, पैर पंजे से कोई कुछ निकल रहा है बाहर। अच्छा तो गुरुदेव बोलते हैं कि इसमें बहुत सारी ऐसी योगिक क्रियाएं हैं, जी प्राणायाम हजारों प्रकार के हैं, किसी को आज के गुरुओं को मालूम ही नहीं कि कितने प्रकार के प्राणायाम है। ये साक्षात भगवान के खेल है भाई। सच में जब अंदर से ये होता है कोई ना, जी जब अनुभूतियां होती जी है, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। उसका सही बात वर्णन करना भी हमें कम पड़ जाता है। जी, जब ध्यान में गुरुदेव अनुभूति कोई कराते हैं और योगिक क्रियाएं अजीबो गरीब होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, जी, बहुत और आनंद आता है। गुरुदेव का सही जी गुणगान कितना करें वो शब्द कम पड़ जाते हैं। जी जी बताइए, ये आजकल जो गुरु बने हैं लोग आजकल संसार में जो है, वो क्या ये सब कर सकते हैं? ये तो साक्षात भगवान की ही कृपा कर सकती है क्या इस तरह की अनुभूतियां? गुरुदेव बोलते हैं ना, जो समर्थ है वही कराएगा। जी, गुरु तो इतने हैं, आपका कंकड़ मारो तो गुरु पे ही गिरेगा, तो गुरुओं की संख्या इतनी है, उनके उनके बारे में हमें बात ही नहीं करनी। जी,
अब आप झुक रहे हैं जी, आप झुक रहे हैं और मुद्रा लग रही है खेचरी, देखिए क्या बढ़िया अनुभूति कि ध्यान में बहुत आनंद आ जाए। कितना देर बैठा रहे आनंद? और करीब ये 3-4 बार मैं झुका हूँ ध्यान के दौरान, और आज 7 बजे बैठ गया, 7 बजे बैठ गया मैं ध्यान पे, और ये मेरा ध्यान आधा घंटे तक चला, आधे घंटे तक खूब 7:35 पे हमारा ध्यान टूट गया। बहुत सुंदर। जब गुरु भाई जब इस तरह की अनुभूतियां होती है ना, इस तरह की होगी तो बहुत मजा आता है, लगता बहुत देर बैठे आता है। ये होता है कि उठना ही नहीं है, चलने देते हैं और देखते हैं और क्या होता है, और क्या होता है। इतना आनंद आता है कि गदगद हो जाते हैं। सही बात कह रहे हैं जी गुरु भाई। इतना ही कहना चाहूंगा। श्रीवास्तव जी, गुरु भाई ने एड्रेस किया है, उनको बुला दीजिए। जय गुरुदेव। अभी गुरु बहन को भी बोलिए अगर वो अपनी अनुभूति आएंगे तो मैं बात कराता हूं। आएंगे तो बात कराता हूं। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ आवाज आ रही है, कैमरा ऑन कर लीजिए। आज सुबह की एक अनुभूति है, स्वप्न में गुरुदेव जीवित लोगों के बीच में प्रचार करा ही देते हैं, करा भी रहे हैं, और सारे टाइम तो गुरुदेव के बारे में ही सोचते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक। आज भोर में एक सपना आया, उस सपने में करीब 25 साल पहले मेरे चाची जी एक्सपायर कर चुके थे, और 15 साल पहले चाचा जी एक्सपायर किए थे। परिवार में पटीदार में चाचा चाची लगते हैं। तो आज सुबह पुस्तैनी मकान जो था वहाँ पे, हालांकि उस मकान को छोड़े हमको करीब हो गया आज 20 साल के आसपास, तो उस मकान में हमें जो है चाचा चाची दिखाई पड़े आंगन में, और चाची जी ने कहा उनके यहाँ कोई 2 लड़कियाँ आई थी, इस रिलेशन में कोई रहा होगा। तो चाची जी ने उनसे कहा कि महेश, ये जो बिटिया आई है अपने गुरुदेव के बारे में कुछ इसको बताओ, गुरुदेव का बड़ा चर्चा, बड़ा नाम और बड़ी माने चमत्कार भी बताते रहते हो, सुनने को भी आता है, और तुम जुड़े भी हो, जिस बिटिया को समस्या है थोड़ा गुरुदेव के बारे में कुछ चर्चा करके और गुरुदेव का मंत्र जाप ध्यान जप के पूरा डिटेल भी उनको बताओ। उस बिटिया को हम ड्राइंग रूम में ले गए, बहुत विस्तार में सारी चीज़ें बताएं उसको बताएं। बताने के बाद वो बाहर आई और चाची जी से बोली कि बहुत अच्छे गुरुदेव हैं, जो कि आज तक ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला था, और बहुत सहज और सरल साधना है, विश्वास तो नहीं होता लेकिन करके देखेंगे तो हमको लगता है पूर्ण विश्वास है कि कुछ न कुछ तो ताकत तो है ही, करिश्मा तो है। तो दूसरी बेटी एक और भी पास में खड़ी थी, तो उसने कही चाची जी से कि हमें भी गुरु की चर्चा सुनवा दीजिए। हालांकि दोनों हमसे अनजान थी तो थोड़ा सा बात करने में हिचक रही थी, तो चाची जी ने कहा कि महेश अब इनको भी बताओ। तब उनको भी ले जाके सारी चीज़ें बताएं, और बताने के बाद जो है दोनों बड़े अभिभूत, और उसके बाद जो है बोली कि भैया हमारे व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें भेज दीजिए और हम इसका पालन करेंगे, आगे यहाँ रहते तो हैं नहीं लेकिन हम जो है कोई और बात होगी तो हम आपसे बात करते रहेंगे, हमको ग्रुप में ऐड भी कर लीजिए और सारी चीज़ें भेज दीजिए, बड़ा अच्छा लगा। अब समस्याएं तो बहुत सारी हैं, तो हमें लगा गुरुदेव जीवित लोगों के बीच में तो करा रहे हैं, बड़ा ताजुब हुआ कि जो 20-25 साल पहले मृत आत्मा है वहां तक गुरुदेव की पहुंच हो चुकी है, वो सपने में आके और हाँ, जबकि उनको हम इधर बहुत सालों से क्या न रहने के बाद फर्स्ट टाइम हमने देखा उनको सपने में आज दोनों लोगों को, और गुरु के चर्चा के रूप में बात करते हुए हम उनसे हमारा परिचय हुआ, बातचीत हुई, तो बड़ा हमको ताजुब भी हुआ कि हमारे गुरुदेव की पहुंच कहाँ कहाँ तक है। यही कहना है तो हमारे साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, उनकी पहुंच का तो कोई अपार कोई आश्चर्य लगा, हमको ताजुब लगा कि ऐसे कैसे गुरुदेव संसार में तो प्रचार प्रसार जीवित लोगों के बीच में करा रहे हैं, जो आत्मा नहीं है मृत हो चुकी है 25-20 साल पहले वहां तक गुरुदेव पहुंच रहे हैं, और वे गुरु की बातों से प्रभावित होकर के दूसरे तीसरे का इनको भी बताओ उनको भी बताओ। जी जी, जय गुरुदेव, यही कहना था। क्रांति गुरु बहन को भी हम बुलाते हैं, शायद अध्यात्म विज्ञान से रामलाल जी भाई साहब ने भी हैंड रेस किया था। श्रीवास्तव जी आए हुए हैं और विनय कुमार जी आए हुए हैं, उसको विनय कुमार जी को बुला लीजिए आप।
उस दिन पहले आए थे ना बहादुर श्रीवास्तव, हाँ तो विनय कुमार जी बोलना चाह रहे थे उनको कुछ, पर वो चले गए थे उस टाइम, तो विनय कुमार जी को भी बुला लीजिएगा, यही कह रही थी मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एवीएसके से भी हैंड रेस किया था, आपका स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, गुरु भाई आपका माइक म्यूट है। क्रांति गुरु भाई कह रही, विनय जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में अपना विषय रख दूंगा। अभी मुझे क्या खेचरी मुद्रा लगी हुई है और अनंत मुद्राएं और अलग अलग मुद्राएं लगी हुई है, तो इस कारण से थोड़ी सी समस्या हो गई। अच्छा अच्छा जी। विनय जी गुरु भाई मंच पे हैं तो उनका स्वागत है। विनय जी गुरु भाई अगर मंच पे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा ऑन करें प्लीज। चलिए वो नहीं आते तब तो मैं बोलता हूँ। जय गुरुदेव सभी गुरु, जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई आप कुछ कहते हैं प्रचार के संदर्भ में, तो मैं कुछ अनुभव अपने भी सुनाना चाहता हूँ। जी, पहले मैं अपना अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि गुरुदेव ने कहा कि खुली आंख से भी ध्यान लगेगा। ऐसा मुझे कुछ वर्षों पहले होता था, अभी 2-3 वर्ष नहीं हो रहा था वापस से। कुछ दिन से ऐसा अनुभव कर रहा है, खुली आंखों से प्रकाश दिखता है, अलग अलग जगह अलग अलग कलर्स में प्रकाश नजर आता है। अच्छा। कभी दीवार पर नील प्रकाश नजर आता है, कभी पेड़ों में नील प्रकाश नजर आता है, कभी दिव्य प्रकाश नजर आता है, और अनंत मुद्राएं लगी रहती है। जैसे आप एक मुद्रा है दिन भर से लगी रहती है, और जैसे भी अपने गुरु भाई बोले पीके सिंह गुरु भाई जी खेचरी मुद्रा, तो जैसे वो खेचरी का शब्द हुआ कि मेरी मुद्रा लग गई। और फिर मैंने कहा कि बुला लिया है तो गुरुदेव से प्रार्थना किया हूँ। तो ये जो अनुभव है शरीर में अपने आप होता है, और मंत्र जप और ध्यान ये दो ही कार्य हैं, बाकी सब गुरुदेव करने वाले हैं। और जैसा कि एम के श्रीवास्तव गुरु भाई कह रहे हैं कि मृत आत्माएं भी वो इस प्रकार से उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होती है, तो एक्चुअल में आत्मा कभी न तो मरती है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, और शब्द भी कभी नहीं मरता। इसलिए गुरुदेव ने 2009 में 30 जुलाई 2009 को जिस शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उसी शब्द को इस वापस सृष्टि में लय कर दिया है। तो अब जितने भी इस पृथ्वी के नहीं अन्य ग्रहों की, इस पृथ्वी के नहीं अन्य ग्रहों के, अन्य आकाश गंगाओं के, जो भी इस यूनिवर्स में है, लाखों आकाश गंगाएं हैं, लाखों आकाश गंगाएं हैं, लाखों ग्रह नक्षत्र हैं, उन सभी में ये कार्य कर रहा है। इसलिए जो ये अनुभव होते हैं ना कि 25 साल पहले जो चला गया उसका अनुभव, तो वो आत्मा नहीं गई, शरीर गया है ना। और गुरुदेव ने हाँ तो जड़ और चेतन में भी कार्य करती, और किस प्रकार से गुरुदेव के प्रचार का अनुभव में कल बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। परसों शाम को मैं एक गार्डन में घूम रहा था, सामान्यतः भोजन के बाद में घूमने जाते हैं, तो वहां पर एक डॉक्टर थे, तो वो डेली वहां पर पतंजलि योग दर्शन का सुबह शाम 2-2 घंटे का सेशन करते हैं लोगों के लिए। अच्छा। तो मैं उधर से निकल रहा था तो मेरे को बोलते हैं कि आइए आइए भाई साहब, आप आइए, आप अपना सेशन करिए ना हमारे बीच में। अच्छा, कुछ दिन पहले 2-3 महीने पहले उनसे मेरी ऐसे चलते 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 बात हुई थी, वो कल मात्र चल रहे थे, घूम रहे थे, और मैंने कहा कि ऐसा योग दर्शन है इसमें ऑटोमेटिक योग होता है, आप तो डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, और पतंजलि योग दर्शन से आप सारी जानकारी करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं योग के बारे में, पर मैंने कहा इसमें ऑटोमेटिक होता है, बाहर से करवाते, तो कैसा तो अद्भुत है। तो कल उन्होंने बोला, परसों उन्होंने मुझे शाम को बोला, उन्होंने कहा कि कल सुबह में रख लेते हैं। कल सुबह जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, अभी 7 बजे अपना प्रोग्राम करेंगे। तो वहाँ जितने पतंजलि योग के जो क्रियाएं करने वाले, बाहर योग करने वाले, हट योग करने वाले, वो लोग सारे बैठे थे, गुरुदेव के दर्शन को वहां पर जानकारी दी, उनको ध्यान करवाया, उनको सबको अचानक योग होना शुरू हो गया। अच्छा। मैदान के अंदर जहाँ पर गार्डन है, सब लोग आ रहे जा रहे हैं, ध्यान भी लग गया, किसी का सिर आगे जा रहा है। एक अम्मा थी, वो अपना सुंदर अनुभव सुनाती है,
भैया मैं अभी 15 मिनट ध्यान में बैठी तो मुझे बाल कृष्ण है ना वो मेरे सामने आ गए। अच्छा तो अब वो डॉक्टर साहब बड़े आश्चर्य करते हो ये तो असंभव है। तो गुरुदेव के जो कार्य है गुरुदेव कैसे कार्य करवाते हैं ये हमारी समझ से परे बुद्धि से भी परे हमारी सोच से भी परे क्योंकि वो चेतना का कार्य है और चेतना कैसे किसके साथ जाकर के कहाँ काम करेगी। तो ये ऐसा सुंदर अनुभव था कल का प्रातः कि बिना योजना के ही कोई प्रोग्राम बिना उसके ही अपने आप से प्रोग्राम हो गया। कोई कहते हैं हम लोग प्रोग्राम के लिए जाते हैं प्रोग्राम नहीं हो पाता और फिर ऐसे गुरुदेव जब करवाते हैं किसी काम को तो बड़े आनंद से हो जाता उसमें कोई विघ्न नहीं आता। इसलिए गुरुदेव ने कहा इसलिए गुरुदेव कहते हैं इस साधना में बुद्धि के प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं सही हाँ आपको भौतिक जगत में बुद्धि लगानी है तो लगाइए इस साधना में तो केवल मात्र आपको समर्पण करना है हृदय से प्रेम से गुरु को याद करना है बाकी जो कुछ होना अपने आप हो जाएगा। तो जो भी साधक कहते हैं मेरे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है सब कुछ होगा नहीं हो रहा तो भी अंदर तो हो ही रहा है बाकी इतने कहना है कि अपनी साधना करिए गुरुदेव का जितना प्रचार प्रसार कर सकते हो करिए सबको जय गुरुदेव। जय बहुत सुंदर अनुभूति बालनाल जी भाई साहब ने सुनाई इनके बड़े दिव्य दिव्य अनुभव रहते हैं गुरु भाई के। चलिए और भी गुरु भाई बहन आए मंच पे अपने ऐसे ही अनुभव कोई भी अनुभव छोटा नहीं होता हमारे गुरु भगवान का तो छोटा भी चीज बहुत बड़ा प्रसाद है इसलिए कोई संकोच ना करे निसंकोच होके कुछ अपने आप के कोई प्रश्न हो चाहे वो प्रश्न आपने कितनी बार क्यों ना पूछ लिया हो लेकिन आपको कुछ भी संदेह है तो जरूर मंच पे रखें प्रश्न को और हमारे गुरुदेव के बारे में भी जरूर बताएं। जो लोग गुरुदेव से हमारे मिल चुके हैं बहुत आनंद आता है गुरुदेव के बारे में सुन के गुरुदेव के मुख से कही मनोज कुमार साहू जी जुड़े हुए हैं अगर वो कुछ शेयर करना चाहें। मनोज कुमार साहू जी जी गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए बोलिए आप कुछ कहना चाहते हैं अपने गुरु भगवान के लिए कोई नहीं नहीं अभी नहीं मैं तो एक बार आप एक दिन नहीं आए थे साथ पीके सिंह के साथ मेरा वीडियो है मैं अभी नहीं बोलना चाहता हूँ। अच्छा चलिए जय गुरुदेव अपने गुरुदेव के सानिध्य में तो बहुत से लोग रहे होंगे उनकी सुंदर बातों को उनकी कही हुई बातों को कैसे गुरुदेव कहते थे कैसे बताते थे ये भी बड़ा सुंदर विषय है इसको भी जरूर रखिए मंच पे बड़ा आनंद आता है अपने गुरु भगवान के बारे में सुन के। जब बहुत से ऐसे हमारे गुरु भाई बहन विनय कुमार जी ने हैंड रेस किया है आपका स्वागत है विनय गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव भाई जय उस दिन जो गुरु भाई आए हुए थे जिनके धर्म पत्नी जो स्वर्गवास हुए हैं जी तो उनके बारे में ऐसे विशेष तो कुछ नहीं कहना है सिर्फ यही कहना था अपना आप बीती सिर्फ उनको सुनाना था बोलने को। अच्छा। तो मेरे साथ भी वही घटना हुआ था जो वो भी दूसरे गुरु को पहले मानते थे मैं भी मानता था तो उसके बाद 20 अक्टूबर को मेरी धर्म पत्नी जब एक्सपायर हुई तो मैं बहुत सारे विचलन हो गया तो समझ में नहीं आ रहा था मेरे लिए ये संसार मैंने मेरे लिए है ये नहीं था मेरे संसार को लग रहा था कि मैं संसार से कोई मतलब नहीं रखूंगा लग रहा था क्या आपके बच्चे भी शायद बहुत छोटे हैं
हाँ मेरे बच्चे, एक है 5 साल का लड़का है और एक छोटी सी बच्ची है जो 3.5 साल की थी, वो दूध पी रही थी। माँ आपके लिए ज्यादा, बहुत ज्यादा दुखद है ये विषय, बच्चे बहुत छोटे हैं जी। इसके बाद मैंने इस संसार से हमको एकदम लगाव टूट गया, लगा कि संसार मेरे लिए बेकार जी। तो इसके बाद मैं YouTube देख रहा था तो यही बोलता था कि यदि संसार में है ये परमात्मा का रास्ता, वास्तविक में जो हकीकत में परमात्मा का रास्ता है, तो मेरे सामने मैंने अपीयर हो जाए, मैंने सामने आ जाए, या फिर नहीं तो तुम जहाँ गए हो वहां पे तुम हमको बुला। तो यही प्रार्थना रहता था। तो मैं बहुत सारे YouTube देखा तो गुरुदेव का तस्वीर आया, उसमें लिखा हुआ था मेरे तस्वीर से ध्यान लगता। तो मैं देखा हम कि गुरुदेव ही बोल रहे हैं, ऐसे गुरुदेव है, वास्तविक होता है। मैं उसको ट्राई किया, उसके बाद एक नंबर था तो नंबर शायद वो निकला था ये धर्मेंद्र जी का निकला था, तो धर्मेंद्र जी का फोन किए तो व्हाट्सएप पर सब बैठने का ध्यान विधि वगैरह सब भेज दिए थे। तो उसके अनुसार मैं करने लगा तो 12 दिन के बाद मेरा योग क्रिया चालू हो गया। जब योग क्रिया चालू हो गया तो हमको अपने आप को बहुत अच्छा लगा कि वास्तविक में इसमें दम है, क्योंकि मैं जिस गुरु में पहले था उसमें जो क्रिया योगिक जो भी होता था उसके बारे में सब लिखा हुआ था। उसमें बहुत सारे गुरुदेव और गुरु भाई लोग हैं कि इंतजार में है, मैंने 200 बरस से इंतजार में है कि मेरे साथ ये योगिक क्रिया होगा, ये होगा, ये होगा। तो सिर्फ उसके बारे में जानते थे, लेकिन हमको ये लगा कि जिसके साथ 12 बरस से 13 बरस से 20 बरस से जुड़ा हुआ है, नहीं हुआ मेरे साथ 12 दिन में क्रिया मेरा चालू हो गया। मैं समझ गया कि आपके 12 दिन में तो योगिक क्रिया हुई, लेकिन जिस दिन आपने ध्यान में बैठे होंगे, आपने हमारे गुरुदेव के मुख से आपने जैसे ही मंत्र सुना होगा, उस दिन भी आपको तो जागरण का, कुंडलिनी जागरण का भी पता चल गया होगा, अनुभव हो गया होगा गुरु भाई। उस पीरियड में तो खैर ध्यान में बैठा था, क्योंकि जब वो स्पैन की थी ना तो विचलन था, तो उस समय भी ये चीज जानते थे कि हमको मिलेगा, अब उससे बात भी होगा तो अंदर से ही बात होगा। तो मैं मेडिटेशन पहले भी करता था, तो उस समय करता था, तो मेरे इतना विचलन था कि हमको समझ में नहीं आया, लेकिन क्योंकि पहले भी हम ध्यान लगाते थे तो लगता था, लेकिन जब योग क्रिया मेरा जब चालू हुआ ना, ध्यान तो बीच में लगता था तो हमको क्या पता कि हो सकता है ये गुरुदेव के माध्यम से लग रहा है या पहले से लग रहा है, हमको समझ में आया। जब मेरा योग क्रिया चालू हो गया तब पूरे समझ में आ गया कि कारण यही है, इन्हीं के चलते मेरा योग क्रिया चालू हुआ। तो योग क्रिया चालू हुआ तो योग क्रिया में मेरे जितने भी मुद्राएं होते टोटल मेरा लग गया, मूलबन से लगा, उड़ियान बन लगा, खेचरी मुद्रा लगा, जलानन बन लगा, तीनों साथ में लगा, मैंने टोटल जितने होना था टोटल हो गया, टोटल हो गया। तो 15 दिन में मेरा कंप्लीट हो गया सर। तो 15 दिन के बाद बीच में ऐसा हुआ कि फिर ध्यान नहीं लगने लगा, मन भी नहीं लगने लगा, फिर वही विचलन अवस्था आया। तो फिर मैं सुनता था यही कि नहीं नाम जप ध्यान रखे, तो कम से कम 1 महीना 1.5 महीना चला कि जो ध्यान नहीं लगता था वो पीरियड। तो मैं सोचा कि नहीं, गुरुदेव का कहना है कि ध्यान भी नहीं लग रहा तो मंत्र जाप करो। मंत्र जाप पर फिर मेरा कंटिन्यू फोकस रहा, मेरा मंत्र जाप मेरा इस तरह से ट्रांसफर हो गया था कि समझिए कि मेरा विचलन कितना हो गया था। जब उसके जाने के बाद विचलन हो गया था तो उस विचलन को जस्ट ट्रांसफर किया था गुरुदेव में, जितने विचलन होता था उतने गुरुदेव पर आश्रित हो जाते थे कि आपके सिवा और कुछ नहीं, मैंने जो हिसाब है। तो गुरुदेव के प्रति मेरा जितने ज्यादा विचलन होता उतने ज्यादा समर्पित होते थे गुरुदेव पर। तो वो सिलसिला चला, उसके बाद 1.5 महीना के बाद मेरा नाद आने लगा। तो नाद मैं सुनने लगा, नाद तो अभी भी है, 24 आवर्स नाद रहता है, फैन भी चलता है, बजा भी बजता है, तब वो मैंने उसका चालू रहता है। तो नाद पर भी ध्यान देने लगे, उसके बाद प्रचार में भी मैं करने लगा। तो प्रचार में करने लगा तो जिसको जिसको बताते गए और सबके साथ भी एक एक दिन में उन लोग के चालू हो जा रहा था कुंडलिनी, सब मैंने आश्चर्य, मैंने जो भी इसमें था सब चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। अब इसका लगभग हमें लगता है इधर पलामू में, झारखंड पलामू से बोल रहा है, यहाँ लगभग नहीं था, लगभग मेरे द्वारा ही मैंने गुरुदेव फैलाए हैं। अब ये चल रहा है, जो पहले था उन लोग हम लोग के देख करके उन लोग डरता है, सामने आने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि लगता है कि अब इन लोग जिसको बता रहा है वो उसमें चला जा रहा है, अब तोड़ देगा मेरा, तोड़ देगा, बस डरता है वो। तो इसीलिए बोल रहा है कि इतना आश्चर्य है कि आपके जिस अवस्था में आप है, जैसा आपका मन है उस तरह से आपको गुरुदेव रखते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी मेरा अभी कितना 35-6 एज हो रहा होगा, और क्या, तो 35-6 एज हो रहा होगा, तो जब उससे मेरी बात होती तो बीच बीच में 2 बार ऐसी बात हो गई थी कि क्या बताएं, हमको समझ में नहीं लगा, उसको जवाब हमने दे पाए वो चीज है कि हमको समझ में, उसका जवाब दे देते तो हम ये हो जाते, क्या बोलते हैं, मैंने फ्री हो जाते, लेकिन उसको जवाब नहीं दे पाए थे। 2 बार वो हमसे पूछी थी कि
ऐसी मजाक के तौर पर पूछी थी, हम लोग बेड पर बैठे हुए थे दोनों, और वो पूछी थी, यही बात पूछी थी कि यदि हमको कुछ हो जाता तो आप शादी कर लीजिएगा दूसरा, उसका जवाब हम नहीं दे पाए थे। अच्छा, ये प्रक्रिया जाओ जाओ इसका इसका जवाब हम नहीं दे पाए थे। ये प्रक्रिया मैंने दो बार पूछी थी तो हम उसको टाल दिए थे, बोले कि यही पूछना है तुमको से, इस तरह से क्यों पूछती हो, तो फिर वो भी इस बात को नहीं लेके चली। और पता नहीं वो क्या उसका मन में क्या था पहले से कि वैसा प्रश्न की थी और हम उसका जवाब नहीं पाए। आज तक हमको वो चीज एकदम फीलिंग होता है कि उसको जवाब नहीं दे पाए। अब सिर्फ हम उससे पूछते तुम बताओ हम क्या करेंगे जब वो स्थिति हो जाएगा, तो वो कुछ नहीं तो बताती, मेरा जवाब नहीं लेकिन उसी का जवाब होता, लेकिन वो चीज हमसे नहीं हो पाया नहीं जवाब दे पाया। वो चीज आज तक हमको मैंने लगता है कि मैंने सपना के रूप में उस मैटर भी आ जाए तो हम उससे जवाब ले ले, लेकिन सपना में भी तो देखते हैं बात भी होता है लेकिन उस मैटर पे हम नहीं आ पाते हैं। अब गुरुदेव की कृपा की कब गुरुदेव उससे बात कराएंगे कि उस मैटर को उसके सामने रखे और उससे हम संतुष्ट हो जाए। अब पूरा विश्वास है कि गुरुदेव हमको उस अवस्था में ले जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा शक्ति है कि गुरुदेव पर आप विश्वास रखिए, आपको जो भी ऐसे मन आप शांत हो जाएगा। हमको तो गुरुदेव एकदम इतना शांत कर दिए हैं, इतना शांत कर दिए हैं कि हम आश्चर्य है। मैंने जब से जुड़े हैं मैंने अपने आप को, हमको नहीं लगता है कि हम पहले वाले हैं, मैंने नहीं लगता है कि हम पहले वाले हैं, लगता है कि हम दूसरे हो गए। मैंने जब से मेरा हुआ मैंने आज तक हम फ्रेश नहीं रहे, कुछ न कुछ मेरा शरीर में कुछ न कुछ होते रहा, कुछ न कुछ होते रहा है। कभी एक कभी मैंने हम फ्री कभी नहीं आ रहे, बस हम यही अनुभव कर रहे हैं कि हम फ्री नहीं रहे। मेरे अंदर कुछ रहा है, दिमाग सही रहा है, तो कभी क्या हो रहा है, हम जानते हैं कि सब उनका कृपा उनसे हो रहा है। तो कभी कान होता है, तो कभी इधर दर्द होता है, कभी सिरम दर्द होता है, क्या क्या होता है, तो हम जानते हैं सब नहीं चलते होता है, सब एक सब ठीक हो जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि आप इसमें गुरुदेव आए हैं, गुरुदेव के दिशा ले हैं, आप इसमें समर्पित हो जाइए, क्योंकि आपका तो हल्का झलक देखे थे कि हमसे तो आप ज्यादा एजेड है, हमसे ज्यादा ओल्ड है आप हैं, तो उनको हम नहीं देख पाए, गुरु भाई को हल्का झलक देखे, मैंने हमको लगता है हमसे वो ज्यादा मैंने एजेड। जी गुरु भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही गुरु भाई, या तो आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए या फिर से ज्वाइन करिए, आपकी आवाज थोड़ी ठीक। आवाज मेरी आ रही है? हाँ अब आ रही है गुरु भाई। हाँ तो मेरा कहने का मतलब है कि जो गुरु भाई आए हैं वो तो हमसे ज्यादा एजेड है। जी जी गुरु भाई, वो नियर अबाउट आई थिंक 60 के करीब तो होंगे ही वो। हाँ 60 तो होंगे। हाँ जी, देखिए जब कोई एक साथ अपना जाता है, साथी जाता है, तो बुरा तो एक स्वाभाविक लगता है। अगर हम किसी अच्छी विधा से नहीं जुड़े होते तो हमारे मन में वो एक मानव स्वभाव होता है, वो तो होता ही है, वो किसी भी उम्र में भी हो सकता होगा, तब भी थोड़ा सा लगता ही है। लेकिन आपके में, हाँ आपकी कंडीशन में उनकी कंडीशन में बहुत ही अंतर है, उनके बड़े वेट बच्चे हैं। थोड़ा सा ये सुनिए कि उसका हम जवाब नहीं दे पाए से उसके बगैर हम एक सप्ताह, हम लोग जब शादी हुआ था 2014 में हम लोग का दोनों का मैरिज हुआ था, और 2014 तक हम लोग मैंने एक सप्ताह कभी अलग नहीं हुए थे, एक सप्ताह कभी अलग नहीं हुए थे, अलग कभी रहते नहीं थे। और उसका एक सप्ताह अगर किसी कारणवश अगर रह जाते तो मैंने तो उसके बगैर हम बिचल हो जाते, मेरे बगैर वो बिचल हो जाते। लेकिन जब से वो गई है गुरुदेव हमको इस अवस्था में रखे हैं कि आज तक वो विचलन जो एक सप्ताह विचलन हो जाता था, आज तक वो विचलन हमको नहीं होने दिए है गुरुदेव। अब समझिए गुरुदेव की कितना बड़ा कृपा, वैसा विचलन आज तक हमको नहीं होने दिए। तो आप ना गुरु भाई, आपने देखिए आप गुरु की तरफ झुके, आपने उनके मंत्र को जपा, उस मंत्र में ही तो बहुत है। हाँ वो मंत्र तो हम कंटिन्यू रखे हैं और मंत्र ही मेरा सहारा है। आज तक हमको ऐसा भी फीलिंग नहीं होता है, मैंने कल्पना भी नहीं होता है कि हम दूसरा मैरिज कर ले। इतना एजेंट रहते भर में भी हमको ये नहीं लगता है कि हम दूसरा मैरिज कर ले। मैंने लगता है कि अगर हम मैरिज करते हैं तो बच्चा के प्रति हम बहुत मैंने दूसरे
दूसरी नजर से हो जाएंगे। इसलिए बच्चा को देखते तो हमको इच्छा नहीं करता है, उसके सवाल को हम देखते तो इच्छा नहीं करता है। इसलिए हमको ये विश्वास हो गया कि हम मैरिज कभी लाइफ में नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी रिलेशन है घर के अगल बगल सबका सपोर्ट करते हैं कि तुम कर लो, लेकिन अंदर से मेरे ही इच्छा नहीं कि हम मैरिज करें। एकदम हमको इच्छा नहीं है, नहीं वैसा विचलन होता है कि हमको चाहिए, मैंने वैसा नहीं। गुरुदेव मैंने इस अवस्था में रखे, जिस अवस्था में रहा है मैं उस अवस्था में रखे, मैंने गुरुदेव को हम धन्यवाद देते हैं कि गुरुदेव आप उस तरह कैसे आप रखे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद रखते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई के भी कि आप भी गुरु भाई आप समर्पित हो जाइए, आपका भी एज हो गया है, इसलिए जो भी एज बचा हुआ है गुरुदेव से समर्पित हो जाइए, आपको मतलब बहुत अच्छा आभास कराएंगे। यही सिर्फ आप बीते मैं उनका सुनाना चाहती हूँ। उनका गुरु भाई ऐसा है कि उनका बहुत अच्छा परिवार है, उनके बच्चे हैं, नाती पोते सब हैं उनके उनके परिवार में। उनकी अवस्था इस समय अध्यात्म की अवस्था है, जो वैसे तो अवस्था अध्यात्म की हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि बचपन से ही आदमी जुड़ जाए, हमारा जो विद्या है वो तो बचपन से ही मिल जाए तो अहो भाग्य हमारे। लेकिन जिस अवस्था में भी हमें ये वरदान मिल रहा है, हमें खुशी खुशी उसको तुरंत इस बहुमूल्य वरदान को अपना लेना चाहिए। और जब तक हम उस तरफ नहीं झुकेंगे, हम मंत्र पे ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे गुरुदेव हमारा कार्य कैसे करेंगे, वो अपनी तरफ कैसे अपने हमारे को बुलाएंगे जब तक हम उनके कार्य को नहीं करेंगे। हमारे दो ही तो ड्यूटी उन्होंने गुरुदेव ने दी है, एक मंत्र जाप और एक ध्यान, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी अवस्थाओं से बाहर निकल पाएंगे। सभी चीज का सोल्व गुरुदेव एक ही बताया है कि सिर्फ तू मंत्र जाप करो सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ मंत्र जाप करो सब ठीक हो जाएगा और ध्यान सुनो। जी ये कहते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि केवल मंत्र जाप से कहाँ ऐसा हो सकता है जब तक कि कोई कर्मकांड हम ना करें। लोगों के मन में ये बहुत चीजें रहती हैं कि जब तक हमको कुछ बताया ऐसा ना जाए कि यहाँ पे जल चढ़ाओ या यहाँ पे प्रसाद लगाओ या इतने दिए रखो तब तो कुछ होता है, ऐसे केवल मंत्र से कैसे कोई चीज हो सकती। बहुत लोग तो इसी परेशानी में ही भटकते रहते हैं, लेकिन एक बार इस मंत्र को अपना तो देखे वो। देखिए कहने वाले तो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कर्म काम करना होगा, लेकिन हम लोग के गुरुदेव का क्या नाम है, तुम करके देखो इसके बाद तुमको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, तब ना अनुभव होगा। तो करेगा तब तो अनुभव होगा, यदि करो यदि नहीं होगा तब तुम कहोगा कि कर्म कांड करना पड़ता है, लेकिन तुम करो तो पहले नाम तो जपो हमसे दीक्षा तो लो, इसके बाद खुद पता चल जाएगा कि क्या है। जी गुरुदेव तो ये भी, जबकि ये कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है, यहाँ तो कुछ त्यागना भी नहीं है, हमें अपने गुरुदेव की विधा से जुड़ने में तो हमें कुछ त्याग भी नहीं करना है, ना अपने भौतिक संसार को, ना अपने भौतिक सुविधाओं को, ना व्यवस्थाओं को, किसी को त्याग भी नहीं करना है हमें, इसमें रहते हुए हम इस साधना को कर सकते हैं। तो हम जब तक मंत्र को नहीं करेंगे तो हम अपनी समस्याओं से निजात कैसे पाएंगे। हम क्वेश्चन तभी कर सकते हैं जब हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो तब। जी एक नजर से हम देखते हैं गुरुदेव इस चीज में इतना हल्का कर दिए ना कि लोग उतने हल्के से इसको लेते हैं, बताइए कि न कहीं आना है न कहीं जाना है, न किसी को एक रुपया देना है किसी से लेना है, न कुछ खाने पीने छोड़ना है, न कुछ नहीं करना है। इतना सोल इतना अच्छा है, इतना हल्का है कि लोग उतने हल्के में लेते हैं, इतना हल्का है बताइए, इतना अच्छा अब कहाँ मिलेगा कलयुग में। आप किसी भी अवस्था में बैठे हो, कहीं भी आइए कहीं भी जाइए, बिल्कुल फ्री हैं और मानसिक जप कर रहे हैं, आराम से अपने काम भी करिए, घूम भी आइए, टहल भी आइए, घर पे भी रह लीजिए, अपने सबके साथ बैठ लीजिए, मानसिक जप चल रहा है आपका, कितनी अच्छी साधना है, इससे सरल और क्या होगा। यदि आप नहीं बैठ पाते हैं तो सो जाइए, सो कर करिए, यदि नहीं बैठने असमर्थ सो जाइए। दुनिया का कोई भी, दुनिया का क्या मैंने पिछले जन्म का अगले जन्म का कोई भी पाप, सिर्फ एक सब चीज का एक उपाय, खाली नाम जब तुम करो इसके बाद देखो क्या तुम्हारे परिवर्तन होता है। गुरुदेव तो डायरेक्ट बोलते हैं कि नाम जब करो बाद बाकी मेरे जिम्मा है, क्या हम करेंगे, तुम्हारे छुट्टी हो जाएगा, जो करना है हम करेंगे, सिर्फ नाम जप करो। जी गुरु भाई तो देखिए 4-5 महीना में गुरुदेव तो हमको मैंने अच्छा स्टेज पर लाए हैं, ध्यान भी लगता है, रोड के बगल में भी बैठ जाते हैं, रूम है रोड बगल पर भी खुले बैठता हूँ, वहां भी हमको ध्यान लगता है, बहुत अच्छा ध्यान लगता है, कोई आवाज से कोई डिस्टर्ब हो भी नहीं करता, या रूम में बैठे या बाहर बैठे ध्यान लगता है, बहुत अच्छा ध्यान लगता है। कृपा की देखिए आगे क्या प्यार है, ध्यान भी हमारा प्यार है एक गुरु भगवान के लिए, अपने जितना प्यार करेंगे उतना अच्छा ध्यान लगेगा।
लेकिन मंत्र तो हमें जपना ही पड़ेगा। हाँ मंत्र तो जपना ही पड़ेगा जी। चलिए जब कृपा हो जाएगी। अपना आवृत्ति सुना रहे थे कि उनको इसमें आने के बाद शांति मिलता है, हमको बहुत अच्छा शांति मिला है जो कि मैं रह पा रहा हूँ, मैं तो पता नहीं अब तक मेरे साथ क्या होता। अगर उन्होंने सेशन ज्वाइन किया होगा तो आज उनको अच्छा लगेगा। ओम प्रकाश जी। गुरु भाई और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छी बात रखी विनय कुमार जी ने। ओम प्रकाश चौहान जी का स्वागत है मंच पे। ओम प्रकाश चौहान गुरु भाई आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। गुरु भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? जी प्लीज कैमरा भी ऑन कर लीजिए और अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी दे, एक बार और परिचय आप दे दीजिए अपना। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन एक मिनट। हाँ जय गुरुदेव। बताइए आज क्या हुआ गुरु बहन? मैं दुकान से आ रहा था जी, तो रास्ते में ऐसे विचार आए मेरे, कहा यार रोज जाने बैठता हूँ, सिर्फ एक ही एक तरह के योग हो रहे हैं मेरे को। यार गुरुदेव यार ऐसे लगता है मेरे को मैं अपने मन से ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है घर पे आ गया मैं, घर पे कुछ दो या तीन मिनट बाकी थे, तो मैं जैसे ही गुरुदेव के ध्यान में बैठा और इस कदर मेरे को मूवमेंट हुए हैं जबरदस्त। पर मैंने कहा यार आ तो गुरुदेव से मन ही मन में मैंने कहा था कि गुरुदेव यार अच्छे मूवमेंट नहीं करा रहे, ऐसे लगता है कि मैं अपने आप ही हाथ हिला रहा हूँ। तो ये मेरी शंका तो आज बिल्कुल ही साफ हो गई। दूसरा मैं ना जैसे खाना खा के सोने की समय मैं जब मंत्र जाप करता हूँ तो मैंने ये देखा है कि मुंह मेरा अगर लूज होगा ना और मंत्र में जाप करता हूँ तो मेरी जो जीभ पीछे खिंचती है और पीछे खिंचती और ऐसे पलट जाती है और ऊपर ये जो अपना है ना तालवा जिसको कहते हैं वह चिपक जाता है। अच्छा। वो एक दिन तो मेरी जीभ इतनी खिंची मुझे काफी दर्द हुआ, तो मन ही मन में मैंने गुरुदेव को कहा गुरुदेव बहुत जीभ में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैंने वो मंत्र जाप शुरू कर दिया तो अपना वो जीभ छूट के बाहर आ गई। लेकिन वो ऐसी मुद्रा मेरे को ज्यादा नहीं दो चार पांच मिनट लगती, ये अभी करीबन हफ्ते दस दिन से ये हो रहा, ये करीब तीन बार मेरे को लग गई है। जी जी खेचरी मुद्रा। तो ये तो मेरे को पता नहीं है गुरु बहन क्या है क्या नहीं है, मैं लोड़ी बड़ा मैं तो इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन
जीव ऐसे पलटी मार देती है। ये खेचरी मुद्रा है, ये खेचरी मुद्रा है, बहुत अच्छी मुद्रा है। लेकिन दिग्गज सिंह जी गुरु भाई कहते हैं ना, लोड़ी आया था। लेकिन दिग्गज सिंह जी गुरु भाई जो कहते हैं ना, इससे बहुत अमृत रस टपकता है, लेकिन मेरे मुंह में ऐसा बिल्कुल नहीं के बरोबर ऐसा महसूस होता है कि कुछ यार ऐसा महसूस होता है, कुछ अलग ही तरह का स्वाद टाइप, बिल्कुल नहीं के बरोबर। जी जी, ये जवान उलट के तालू में लग जाती है और ऊपर करती है, तो वहाँ की एक अमृत है, उसको कहते हैं, वो रस होता है, अमृत आवाज डिस्टर्ब हो रही है गुरु ग्रंथ, आवाज डिस्टर्ब हो रही है, और ज्यादा कोई कैमरे चालू है किसी के, देखो एक बार। गुरु भाई आपके पास में किसी का माइक ऑन है? आपका माइक म्यूट हो गया गुरु भाई। अच्छा, हाँ चालू हो गया। गुरु भाई आपके पास में कोई है क्या, माइक ऑन है किसी का मोबाइल? वो मैसेज फोन कर रही है किसी को, डिस्टर्ब आ रहा है कुछ। अच्छा जी, हाँ बंद कर दिया मैडम जी, बताइए। हाँ ये मेरे को योगी क्रिया हुई है अभी, तो अनुभव यही हुआ है, और जब अनुभव होता है तो मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ सेशन में। जरूर जरूर, नहीं तो मैं रहता हूँ सेशन का प्रोग्राम, किसको क्या हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, बस ये आनंद लेते हैं। और जब अपने साथ ये ऐसा होता है तो हम शुरू हो जाते हैं बोलने में क्यों हिचकिचाए, ये तो अपना मंच है ना, अपना मंच है। हाँ गुरुबेन, आपकी आवाज कट के आ रही है। गुरु भाई आपके उधर से कोई नेटवर्क इशू हो रहा है? अच्छा, हो सकता है। बस गुरुबेन इतना ही मेरे को कहना था। चलिए, आज बहुत सुंदर अनुभव हुआ है आपसे भाई। जय गुरुप्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। गुरु भाई आप, जय गुरुदेव, आप जोधपुर से हैं ना? जोधपुर से, तो आपने गुरुदेव के दर्शन करे हैं? अरे मैं तो जोधपुर ही रहता हूँ, मेरा तो जब मन उचक जाता है ना, मैं सीधा आश्रम चला जाता हूँ, और कुछ नहीं दिखता है मेरे को, सीधा आश्रम पहुंचता हूँ मैं, और वहाँ सुबह शाम का जो ध्यान शाम का जो होता है ना, मैं वहीं पे ध्यान करता हूँ, बाद में घर आता हूँ। और कई बार तो, एक बार तो ऐसा हुआ कि जैसे ही गेट के अंदर मैं और मिसेज एंट्री हुए, तो मेरे को इतना जोर से रोना शुरू हुआ, इतना जोर से रोना शुरू हुआ, बस बात छोड़ दो, खूब रोया था, और ऑटोमेटिक रोया था, मैं नहीं रोया था, ऑटोमेटिक मेरे को रो जा रहा है। जी गुरु भाई, तो आप जुड़े हुए कब से हो गुरुदेव से? 97 से। तो फिर गुरुदेव के बारे में बताइए ना आप कुछ, गुरुदेव के बारे में बताइए, आप तो दर्शन करें। देखिए गुरुबहन, ऐसी बात है कि जब मैं 97 से जुड़ा था ना, हाँ ठीक है, मैं जब हमारे यहाँ कुमारों की छात्रावास है वहां पे मैंने ये दीक्षा ली थी, ठीक है, जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है उसके पास में कुमारों का छात्रावास है, वहां पे मैंने दीक्षा ली थी 97 में। तो उस दिन जब गुरु मंत्र मैंने लिया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं जमीन में जा रहा हूँ। अच्छा, पूरा जमीन में जा रहा हूँ। फिर मैं वहां से आ गया, वो गुरु मंत्र सब गुरु भाई चले गए, मैं भी आ गया, मैं मेरे दुकान पे आ गया। लेकिन फिर से मैंने ये रुचि नहीं ली कि यार इसको मंत्र जब, ऐसा कोई गुरु भाई मेरे को नहीं मिला जो
मेरे को ये टैकल करता कि देखो आपको ऐसे ध्यान में बैठना है, इतनी देर गुरुदेव के आगे प्रार्थना करके बैठना है और गुरुदेव का ध्यान यहाँ लगाना, ऐसा कोई मेरे को नहीं मिला। तो मैं वैसे ही रफली जब याद आ गया तो शुरू हो गया, बाकी भूल जाता था। लेकिन लॉकडाउन के अंदर गुरुदेव ने मेरे को फर्स्ट क्लास पकड़ लिया। अच्छा। घर पे ही रहते थे और उस समय तो मेरे को बहुत जबरदस्त योगी क्रिया होती थी, बहुत ही जबरदस्त। यानी गुरुदेव की तस्वीर आगे लेके बैठते ही मेरे को शुरू हो जाता था। अच्छा। बस और वो काफी देर तक चलते थे योगी क्रिया। अब जाके करीबन 2-3 महीने हुए सिर्फ ऐसे ऐसे मेरे होता ध्यान के अंदर, उसके अलावा कुछ नहीं होता। और कभी कभी ऐसे सोचता हूँ मैं कि यार गुरुदेव पहले तो इतनी अच्छी अच्छी योगी क्रिया करवाते थे, अब क्या बात है। योगी क्रिया ऐसे लगता है कि मैं अपने मन से ही ऐसे हाथ हिला रहा हूँ। लेकिन आज जब ये दुकान से आ रहा था तो मैंने ये सोचा यार गुरुदेव मजा नहीं आ रहा है, योगी क्रिया मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि मुझको ऑटोमेटिकली योग हो रहा है। जी, जी। ये सोच के मैं घर पे आ गया और सेशन से जुड़ा जुई और फर्स्ट क्लास मेरे को बिंदास मेरे को योगी क्रिया होने लगी। मैंने कहा आज गुरुदेव ने मेरे दिमाग की जो फितरत थी वो निकाल दी, कह ले बेटा तेरे को करवाता हूँ मैं योगी क्रिया। लेकिन मेरे ऊपर अनविश्वास मत रखना जी, अनविश्वास मत रखना, हृदय हमारे साथ है। आपके मन में एक प्रश्न आया, गुरुदेव की साधना वाइफ वो करते हैं, लेकिन वो क्या है कि जैसे उनका पियर है ना, पियर में वो क्या कहते हैं वो भूमिया जी होते हैं ना, सुन रहे हो आप गुरु बहन? हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी हाँ। तो उनके पीर में उनके स्थान घर के बाहर मंदिर किया हुआ, तो वो उनको ज्यादा महत्व देते। मैं कई बार मिसेज को बोलता हूँ, हालांकि मैंने गुरु दीक्षा दिलवा दी है मिसेज से और उनको योगी क्रिया भी होती है। और अच्छा। बात करूं आपको मिसेज से? बताइए बताइए। अरे हाँ जी हाँ। वो मना कर रही है, वो जब ध्यान में बैठती है ना गुरु बहन, आंखें बंद करते ही उसको एक तो सड़क की सड़क दिखती है और यहाँ पे जहाँ आज्ञा चक्कर होता है ना बिल्कुल प्रकाश नजर आता है। अच्छा। और कुछ देर उसको योगी मूवमेंट होते हैं, लेकिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना कर रखी है कि गुरुदेव मेरे परिवार में मिसेज को बच्चों को आप हैंडल करें कि आपको ध्यान में बैठना है। मैं तो इनको कह देता हूँ मेरी ड्यूटी खत्म, अब ये ड्यूटी आपको मैंने सौंप दी, आप जानो आपका काम। जी जी। कुछ परेशानी होती है की कृपा से ही संभव होगा। मैं इन पे जोर नहीं देता हूँ कि आप बैठो करो अपना, गुरुदेव मैंने तो सौंप दिया गुरुदेव को, गुरुदेव आप जानो आप। और मैं तो मेरे गुरुदेव का बस दिन भर मेरे दिमाग में गुरुदेव का फतूर रहता है, दिन भर गुरुदेव का ही फतूर रहता है कि कब दुकान से 7:30 बजे शाम को मेरी गाड़ी उठे और मैं सीधा कर और मेरे को बैठना ध्यान में और सेशन से जुड़ना, बस ये याद रहता है मेरे को। बाकी गुरुदेव देते हैं दाल रोटी के पैसे देते हैं गुरुदेव, कोई तकलीफ नहीं है।
इसलिए आज मेरी इच्छा हो गई, चलो सत्संग से हाथ खड़ा करते हैं, बोलते हैं जो भी अपनी अनुभूति है गुरु भाई गुरु बहनों को, बताए तो सही। जरूर बताना, आज तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई, जो आपने सोचा गुरुदेव ने कर दिया, तो आज तो जरूर से आपको बताना चाहिए। मुझे आज बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुदेव आज जो मैं सोच के आ रहा था और वही मेरे दिमाग में जो शंका थी वो एकदम से निकाल दी, खट कर दी। ठीक है गुरु बहन, और भी कोई गुरुदेव योगी क्रिया कराएंगे तो आपसे जरूर मैं सेशन में जुड़ूंगा और हाथ खड़ा करूंगा। ठीक है गुरु बहन, सबको जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा मेरा और गुरुदेव के दरमियान, अगर वैसे भी सेशन का समय हो गया 5 मिनट लूंगा। नहीं नहीं जरूर बताइए। गुरु पूर्णिमा का ही अवसर था और ऐसे भी मैं जब जाता था तो वहां पे कार्यकर्ता के रूप में जाता था मैं तो, और मेरा किसी भी सारे जितने भी गुरु भाई बहन जाते हैं भक्त भगवान का नाता होता है वहां पे, तो गुरुदेव ने जब अपनी स्पीच खत्म की और फिर गुरुदेव ने बोला कि पर्चे बांट दो दीक्षा वाला, और बाएं साइड में पुरुष बैठे थे, दाहिने साइड में महिलाएं बैठी थी, और मैं कार्यकर्ता था, मुझे जगह नहीं मिली तो मैं सामने गुरुदेव के बीच गैलरी में बैठ गया। वैसे मैं इस वाक्य को कई बार सुना चुका हूँ मंच पे, आज फिर एक बार से सुना रहा हूँ। बैठ गया तो कुछ मैं तो गुरुदेव को निहार रहा हूँ, सामने करीब 20-25 मीटर की दूरी होगी मेरे और गुरुदेव के बीच में, सामने कोई नहीं था, मैं था और गुरुदेव थे, पुरुष बाएं साइड महिलाएं दाहिने साइड, मैं बीच में, रेड कार्पेट लगी हुई थी, सामने मैं गुरुदेव को देख निहार रहा हूँ। तब तक गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी। अच्छा, गुरुदेव की दृष्टि पड़ी तो गुरुदेव ने बस, अब गुरुदेव उतनी भीड़ में तो बोल नहीं सकते, गुरुदेव ने सर हिला, कैसे हो? अच्छा। कैसे हो? मैं बोला गुरुदेव बस ठीक हूँ, मेरा हाथ बस इशारों में भक्त भगवान का बस चल रहा है। अब इतने में मैं इतना गदगद हुआ गुरुबान, इतना गदगद की भगवान आपने इतने लोगों के बीच में मेरा भी ख्याल रखा है। अब उसके 2 मिनट या 3 मिनट के बाद गुरुदेव ने बोला कि ध्यान करो। अच्छा, मैं तो उतने ही देर में भाव से भर गया। अब मैं भाव से भरने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं ध्यान में बैठा, मैं फ्लैट एकदम लेट गया और रोने लगा, सोच सोच करके कि आप कितने करुणा निधान है, और इतनी तेजी से रो रहा था, मुझे 5-6 लोग लगे थे चुप कराने के लिए। अच्छा, 5-6 लोग लगे थे। भगवान ने आपका हालचाल पूछा, इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ी बात। हाँ, इतने में मैं भर गया एकदम भाव से और इतना रोया हूँ, 5-6 लोग लगे, मैं बोला कि मुझे कृपया आप लोग छोड़ दें, हे गुरुदेव मुझे छुड़ा दीजिए, मैं रोना चाहता हूँ। शायद गुरुदेव ने इशारों में कहा होगा, फिर सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैं खूब रोया, इतना रोया और आंखों से पानी तो जैसे ऐसे बह रहे थे, उसका मैं वर्णन क्या करूं। जी जी, तो गुरुदेव सच में इतने करुणा निधान है कि आपके अंदर वो भाव होगा ना, तो चुटकी भर का समय, चुटकी मतलब एक सेकेंड का समय लगता है। सही है, आप बिल्कुल सत्य है, ये हमारे अगर प्रेम है तभी हमारा जुड़ाव होगा सच्चा। जी, इतनी भीड़ के बीच में इशारों में हमारे और गुरुदेव की बात हो रही है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, बहुत अद्भुत, बहुत बड़ी चीज है। वैसे भी गुरुदेव प्रोग्राम में जब बहुत पहले तो आते नहीं थे, आधा घंटा पहले आते थे, तो और जितने भी गुरु भाई वहां पे गए सारे लोग देखना चाहते थे गुरुदेव कब आएंगे, गुरुदेव कब आएंगे। और इतने लोगों के बीच में आमने सामने वार्तालाप हो रहा है मनी मन भक्त भगवान का, तो भक्त ऐसे ही भर जाएगा। सही है, कई बार मन में आता है कि सेशन में साझा करे, तो आपने कहा ना कि कोई वाकया अगर किसी के पास ऐसा हो तो साझा करे, जरूर साझा करे। यही तो मैं अभी कह रही थी कि बहुत अच्छा लगता है जब हमारे गुरुदेव के बारे में कोई बताता है, कि जो लोग सानिध्य में रहे हैं बड़ा अच्छा लगता है, आनंद अपने को मिलता है, कि हम लोग को तो वो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन जिनको ये मिला है वो जरूर बातों को साझा करें, तो उसी से कुछ हम लोग आनंद ले लें, कुछ सौभाग्य बना लें अपना। बहुत बार मिला है, साल में तो कम से कम 2005 से लेकर के 2014 तक
दो बार, कभी तो साल में एक बार मुझे स्पेशली जिस दिन गुरुदेव का वो मंत्र लाइव हुआ था स्पेशली अच्छा। मुझे बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, जुलाई में ही गए थे, जुलाई में फिर ये प्रोग्राम भी रखा गया था, फिर वापस में गया था। आप लोगों को गुरु का आदेश हो भक्त न जाए तो फिर वो भक्त किस काम का, काम धंधा तो जीवन भर करना बहन, काम धंधा तो जीवन भर करना है। ये देखिए कि बीमारी आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो वरदान साबित हो गुरु भाई। मेरे लिए तो सच में ये आपको भगवान मिलने थे। अगर उस समय कोई सोचता कि इतनी बड़ी बीमारी है, कितने कर्म खराब है, ये है, क्या हो गया, यही मन में दिमाग में आता है, लेकिन प्रभु की लीला देखिए, गुरुदेव की लीला देखिए कि उनको अपने पास पता नहीं चला कि मैं बीमार हूँ, किसी को पता भी नहीं चला कि मैं बीमार हूँ। बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि तो बीमार झूठ बोलता है, लेकिन मैंने जो चार छह महीने मतलब जो झेले है ना वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी एक राज छुपा था। सच में वो छह महीना आठ महीना पहले जो परेशानी थी शरीर में गुरुदेव के सानिध्य में, मतलब दर्शन से ही पहले दिन जोधपुर ध्यान बैठा उसी दिन खत्म हो गई थी, खत्म हो गई। जो लड़का मुझे सपोर्ट करके लेकर जा रहा है वापसी पे, मैं बोल उसके आगे 10 कदम आगे चल रहा हूँ, चल रहा हूँ बताइए। और जोधपुर वाले पैलेस पे मैं चढ़ रहा हूँ तो उससे 10 कदम आगे हूँ, सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ तो 10 सीढ़ियां उससे आगे चढ़ रहा हूँ मैं। अब इसमें भी अगर हम संशय करें कि हम अपने गुरु भगवान के शरीर को देख के सोचें कि वो तो साधारण मनुष्य है, वो भगवान नहीं है, तो फिर हमारा एक कर्म ही खराब है। गुरुवार संशय करने का मतलब कहाँ से आता है, अगर आपको योगिक क्रियाएं चालू हो गई तो फिर संशय तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं, आप तो देखिए मतलब आप केवल उनके द्वार पे गए और इतना बड़ा चमत्कार, तो ये भगवान ही के द्वारा हो सकता है ये चमत्कार, और किसी के द्वारा नहीं हो सकता, किसी के द्वारा नहीं। जी गुरु भाई बहुत सुंदर। अगले दिन गुरुदेव का दर्शन किया, गुरुदेव बोले दवाइयां खाता है बेटा, हाँ गुरुदेव खाता हूँ, छोड़ दे, गुरुदेव ने इतना बोला छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दिया, आज तक बीमारी के नाम पे एक टैबलेट नहीं। बहुत अच्छी बहुत, ये तो कमाल है गुरुदेव का। 2005 8 मई को गुरुदेव का दर्शन किया था, डेट आज भी कभी भी वो याद रहता है, बोलता नहीं है। 8 मई के बाद जो भी मैं सुबह दवा खाया था, शाम को गुरुदेव का दर्शन हुआ, उसके बाद जो छोड़ा हूँ आज तक दवा नहीं लिया, कल दवा, आज तक दवा। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया। और फिट आप लोग सामने गुरुदेव की सेवा में लगा हुआ जी आप सब सेशन को समाप्त कीजिए। मैं जय गुरुदेव हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करेंगे कि वो सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। गुरु भाई सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव ईचा जी, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव।